सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो आपको क्या करना है, आप उसे कैसे डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप टू स्टेप सिखाएंगे कैसे आपको डिसीजन लेना है, क्या क्या मेल करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और अगर ये चैनल पर आपके आ गया तो इससे आपके चैनल पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर आपने किसी तरह की वीडियो अपलोड की है और वो वीडियो आपने खुद ने नहीं बनाई है, किसी और के यूट्यूब चैनल से वीडियो अपलोड की है, तो सामने वाला बंदा आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ वो वीडियो से आने वाली अर्निंग वो सामने वाले बंदे को जाती है। या अगर वो बंदे ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी 3 महीने के अंदर तो आपका चैनल यूट्यूब की तरफ से पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए कॉपीराइट स्ट्राइक को बहुत सोच समझ कर ही हैंडल किया जाता है। देख लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो अब देख लेते हैं आपके चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसके बारे में आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर चालू कर लेते हैं मोबाइल में देखने के लिए और यहाँ पर जैसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर लॉगिन करेंगे आपको ये स्टूडियो में आना पड़ेगा और स्टूडियो में आपके आते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाने लगेगा चैनल वॉयलेशन। यहाँ पर देखिए एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, इसमें रेड में दिखा रहा है और एक दूसरे तरह से दिखाता है इंपॉर्टेंट नोटिस। तो ये दोनों में से आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया है इंपॉर्टेंट नोटिस के ऊपर और यहाँ पर देखिए आपके कौन से वीडियोज़ के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है और किसने इसको मारा है और किस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, कब तक ये कॉपीराइट रहेगी, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक आया है आपको यहाँ पर और ये एक्सपायर होने वाला है जनवरी के 17 तारीख को और ये आया था मैनुअली आया है और ये वीडियो टेकडाउन हो चुका है यूट्यूब की तरफ से पूरी तरह से। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल रहा है सिलेक्ट एक्शन का, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट क्लेमेट का ऑप्शन करना है और यहाँ पर आपको ये जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो इसको बस सिंपल से कॉपी करना है एड्रेस, ये कॉपी करते ही आपको वापस अपने बैक कर देना है और अपने ईमेल आईडी में लॉगिन करना है। और जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी में लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको कंपोज पे करना है और कंपोज में उनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही इस पर क्लिक करना है, सब्जेक्ट में आपको मैंने एक लिख के दिया है, आप ये डाल सकते हैं अपनी तरफ से। सब्जेक्ट रहेगा रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक, आपको बस ये टाइप करना है। और मेल में आपको लिखना है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इसका भी आपको मैं चाहिए तो डाल दूंगा कमेंट में, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसे इतना यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान देखिए, यहाँ पर मैंने अपने वीडियो का अलग टाइटल लिखा है तो आपका जो वीडियो रहेगा उसका टाइटल यहाँ पर डालना है और नीचे की तरफ टाइटल और वीडियो का लिंक जो रहेगा वो डालना है और उसके बाद आपको इस पर बस ये कर देना है, सेंड कर देना है। और जैसे सेंड हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि वो मैसेज गया है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने एक उनको डाल दिया तो यहाँ पर मैसेज दिख रहा है। तो एक दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ, वापस अपने कंपोज में मेल में जाना है और एक YouTube को मेल करना है। YouTube की मेल आईडी है copyright@youtube.com, इसके ऊपर कॉपी करना है, सेम मेल ये वहाँ पे भी रहेगा, सब्जेक्ट भी आपका सेम ही रहेगा। जो कुछ है सब पूरा सेम सेम रहेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ पर आपको करना है। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको सेंड कर देना है। ये ऑटोमेटिक यूट्यूब को और जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है और उसके ओनर को ये चला जाएगा। तो इसके बाद आपको 2-3 दिन का वेट करना है, वहाँ से आपको डायरेक्ट मेल आएगा, वो मेल के ऊपर आपको बताया जाएगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक हटाई गई है या नहीं हटाई गई है, तो वो आपको उधर ही मालूम पड़ेगा। ये इससे हमें यही उम्मीद रहती है कि कॉपीराइट स्ट्राइक तो ज़्यादातर लोगों की यहाँ से हट जाती है क्योंकि सामने वाले बंदे को ये भी मालूम पड़ता है बंदा अभी नया है, उसने अपोलाइज भी कर लिया अपनी गलती का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई रहेगी और समझ में भी आ गया रहेगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद आपको क्या एक्शन लेना है। और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ।